क्रिएटिव फैमिली माई सेल्फ एसनली। और आज मैं जो इस वीडियो क्लिप में जिस टॉपिक पे बात करूँगा उसमें मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करूँ जो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइन के बारे में भी बताए। जो हमारी एग्जिस्टिंग हुकूमत है उन्होंने मेरे ख्याल में आज की न्यूज़ से लेकर, अगर मैं एक हफ्ते लास्ट वीक की न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। और हर चीज़ के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचना या नेगेटिव न्यूज़ सुन के एक फियर में और एक थ्रेट में चले जाना, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो सबसे पहली न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे या मीडिया पे आपने सुनी होगी, और अगर नहीं तो मेरे इस मैसेज के थ्रू आप तक पहुँचे कि स्टेट बैंक ने उन मुलाजमीन के लिए जिनके प्राइवेट सेक्टर सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनके लिए एक स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। और उस स्कीम के मुताबिक जो भी कंपनीज़ अपने इस टाइम में, ये जो क्राइसिस का टाइम है, एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरीज नहीं दे सकती थी तो उनको ये कहा गया है कि अगर आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को, फॉर इंस्टेंस वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो परमानेंट एम्प्लॉय है या वो आउटसोर्स किया गया है, अगर आप उसको फायर नहीं करते तो आपको स्टेट बैंक लोन देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये लोन का वर्ड सुन के लोन देगा तो इसमें कौन सी कोई इंटरेस्टिंग बात है? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका जो मार्कअप है वो बहुत कम रखा गया है। उसमें दो तरह की डिवीज़न की गई हैं, एक उन लोगों के लिए जो टैक्स पेयर कंपनीज हैं, टैक्स पेयर बिजनेस पर्सनस हैं, वो अगर फाइलर हैं और वो टैक्स पे करते हैं तो उनका टैक्स जो है वो 4% रखा गया है, सॉरी मार्कअप रेट उनका। अच्छा, जो नॉन फाइलर्स हैं, जो मतलब टैक्स पे नहीं कर रहे, उनको भी 5% जो है वो मार्कअप पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं। सेकंड, इसमें अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट जो है वो भी डिफ़ाइन की गई है कि अगर किसी भी कंपनी की सैलरी 20 करोड़ रुपए तक है, मतलब पूरी कंपनी की 3 महीने की, इसमें ये चीज़ मैं मिस कर गया कि अप्रैल, मई और जून की जो 3 मंथ्स हैं, इन 3 महीनों की सैलरी अगर 20 करोड़ बनती है तो 20 करोड़ टोटल अमाउंट पे कर दी जाएगी। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40,000 है, 30,000 है, 50,000 है, तो उस केस में 50% लाइक 20 लाख करोड़ तक तो दे देंगे, लेकिन अगर लेट्स से 40 है तो उसका 50% जो है वो स्टेट बैंक पे करेगा, जो कि 20 करोड़ बनता है। अच्छा, अगर 50 करोड़ है तो उसका 25 करोड़ बनता है। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल में अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों को पता लगा होगा कि कराची में एक कंपनी में बहुत सारी जो फैक्ट्री थी उसमें से वर्कर्स को निकाल दिया गया। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं जो बहुत अलार्मिंग हैं, और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लाइक उसकी स्ट्रेंथ 1 करोड़ तक बताई जा रही थी कि लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है, स्टेट बैंक ने जो ये ऑफ़र दी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकेंडली, हम इसमें और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं देख रहा था न्यूज़ पे डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने देखे एक दो, तो एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च मिली पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में इस वायरस को लेके थोड़ा सा स्टडी किया गया, और ये बात देखी गई है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम है, जो कह सकते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त के हवाले से जो भी कैसा हमारा जो इंटरनल बायोलॉजिकल सेटअप है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है जो इस वायरस से आपको सेव कर सकती है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जो खुलियात हैं और वो जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे फ्यूचर में इस डिज़ीज़ से बचने के लिए। तो अच्छी न्यूज़ हमें नज़र आई है। इसके अलावा जैसा कि ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता ये 25 अप्रैल तक ये जो स्ट्रेंथ है वो 70,000 तक जा सकती है,
डेथ रेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे जो टेस्ट हैं जिनमें एडिशन भी होता जा रहा है, अब 3000 डेली जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके अंदर से जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं वो अगर मैं पिछले 3-4 दिनों का एनालिसिस करूँ तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ट्रेंड जो है वो ज़ीरो पे चला जाए। मतलब टेस्ट जितने मर्ज़ी करें लेकिन किसी का भी पॉजिटिव ना रिज़ल्ट आए, तो ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एज़ अ मुस्लिम ये जो भी पिछले दिनों शब बारात गुजरी है तो हमने बहुत सारी दुआएं भी मांगी हैं, और अल्लाह ताला किसी नेक आदमी की, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, किसी नेक आदमी की दुआ अल्लाह पाक कबूल करेगा इंशाल्लाह, और ये इसकी स्ट्रेंथ मज़ीद डिक्लाइन से डिक्लाइन होती जाएगी। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं जिनको हमने देखना है, हमने हर चीज़ नेगेटिव नहीं देखनी, हमने ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे उस पर वर्कआउट कर रही है। अच्छा, एक और आप लोगों को सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं या डिफरेंट लोग जो शेयर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को तो ये जो 12,000 रुपीज़ अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट, ये तो एक स्टेप ऐसा है जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में वो लोग जो पाकिस्तान नहीं आ सके अभी तक, उनको भी गवर्नमेंट वहाँ पर कैसे राशन प्रोवाइड करने के बारे में एफ़र्ट्स कर रही हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें दुबई में कुछ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आने के लिए वेट कर रहे थे फ़्लाइट्स का, और उनको जाहिर सी बात है डिले किया गया है, तो उनमें से एक ने बताया कि जी हम एयरपोर्ट पे गए अपनी फ़्लाइट का या इन्फॉर्मेशन लेने के वाले से, तो वहाँ पर राशन दिया जा रहा था जो पाकिस्तानी थे, और उनमें से एक राशन लेकर आया, और वो राशन भी उसने दिखाया जी कि हमें क्या कुछ दिया गया, तो एक पर्सन के लिए बड़ा अच्छा खासा हर तरह की जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो पे की जा रही हैं। तो एक पाकिस्तान ऐसा कंट्री जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये अगर अपने सिटीजन्स के लिए कुछ कर रहा है तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो जहाँ हम क्रिटिसाइज़ करते हैं वहाँ हमें पॉजिटिव चीज़ों को भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अभी ये जो क्राइसिस का टाइम है इस पे अल्लाह ताला की ज़ात का हम पे बहुत फजल है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें इन कमिंग डेज जो है वो इसमें मज़ीद बेहतरी दिखाएगा, और ये सारी चीज़ों से हम रिड ऑफ होंगे इंशाल्लाह, हम ये चीज़ों को, ये क्राइसिस जो है वो ख़त्म होगा और पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री दोबारा से बनेगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव साइन हैं, और हम सब लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए गवर्नमेंट के एफ़र्ट को, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना चाहिए। ठीक है जी, तो आप सब लोगों से बस अब यही मैं कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस, प्रिवेंटिव मेजर्स, और साथ में अल्लाह ताला से दुआ। वो एक वाकया है ना कि आप सरकार के पास आप भी एक आए तो ऊँट पे आए थे, वो जब आपके पास आए तो आप सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किस पे आए हैं, तो साहबा ने फरमाया कि मैं ऊँट की सवारी पे आया हूँ, तो आप सरसम ने फरमाया कि आपने उसको बांधा, तो साहबा करम ने कहा मैंने अल्लाह के हवाले किया, तो आप सरकार ने फरमाया पहले आप उसको बांधें फिर आप उसको अल्लाह ताला के हवाले करें। तो इसी मैसेज से हम आज एहतियात करें, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लें मैक्सिमम लेवल पे, और फिर हम अल्लाह के हवाले करें, और डरना नहीं है, खौफ सदा नहीं होना, और इस चीज़ से ऑटोमेटिकली हम लोग रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।